नमस्कार, मैं मुख्तार शिव गौतम। और जिस तरीके से दिल्ली को घेराबंदी की गई थी, दिल्ली को बंद करने की कोशिश की गई थी, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार से यह कहा है कि जो भी किसान संगठन दिल्ली को बंधक बनाए हुए हैं, दिल्ली के रोड ब्लॉक करके बैठे हैं, उनको अदालत में आना पड़ेगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। उसके साथ साथ सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। और ये जवाब देने का जो नोटिस दिया गया है, इसकी मियाद कल तक की है। दरअसल एक कानून के छात्र ने एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया था उस याचिका में कि आर्टिकल 91ABCD के तहत जो लोगों को जीवन का अधिकार मिला हुआ है, जो जिंदगी के लिए तमाम सहूलियतें मिलनी चाहिए, वो सहूलियतें इस आंदोलन की वजह से रुक रही हैं। दिल्ली की सड़कें जाम हो गई हैं, दिल्ली में आवाजाही बंद हो गई है। और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के मामले में फैसला लिया था, उस फैसले के तहत किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को या किसी भी भीड़ को किसी रोड को ब्लॉक करने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर दिल्ली के रास्ते क्यों बंद हैं? दिल्ली के रास्तों पर ये किसान के नाम पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो एम्बुलेंस को भी नहीं निकलने दे रहे, मरीजों को भी नहीं निकलने दे रहे, जिन लोगों को अपनी नौकरी करनी है उनको नहीं निकलने दे रहे, और उसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी पर बनाई है, क्योंकि उनकी नौकरियाँ उन्हें लगता है कि अब जाती हुई दिख रही हैं। पिछले 15-20 दिन से वो अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं, और इसके लिए उन्हें जो परेशानी उठानी पड़ रही है, उसको लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने स्पष्ट रूप से सरकार से सवाल पूछा है कि यहाँ जो पार्टी है, क्या सरकार ने रोड ब्लॉक किए हुए हैं? अगर सरकार ने रोड ब्लॉक नहीं किए हुए हैं, तो ये अब तक क्यों चल रहा है? किसानों के साथ जो बातचीत है, वो बातचीत अभी तक नतीजे पर क्यों नहीं पहुंची है? इसको लेकर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसानों की तरफ से जो लोग आए हुए हैं, वो निगोशिएशन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो मामले को सुलझाना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन लोगों की लिस्ट बनाई जाए जो इस मामले में निगोशिएशन यानी कि बातचीत से सहमत हैं, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो लोग इस बातचीत को अटकाना चाहते हैं उनको भी मार्क किया जाए, लेकिन ये लिस्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी दी जाए, और किसान संगठनों के तौर पर वहाँ जो भी हैं उन सभी को इस सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में शामिल किया जाए। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने दिल्ली के रास्तों को क्यों बंद किया है, दिक्कतें क्या हैं। इसके लिए दूसरी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। एक दिलचस्प बात यह है कि बार काउंसिल ने भी इस मामले में किसानों की तरफ से एक चिट्ठी लिखने की कोशिश की थी, जिसको सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। सरकार पहले ही कह चुकी है कि ये जो तीनों कानून हैं, चाहे MSP को लेकर हो, किसान मंडी को लेकर हो, या फिर जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर हो, ये कानून किसानों के भले के लिए हैं और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर किसानों को आपत्ति है तो सरकार उस पर विचार करने को तैयार है। और इसी के तहत प्रधानमंत्री की पहल पर, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री की पहल पर एक संशोधित प्रस्ताव भेजा गया था किसानों को, जिसको किसानों ने, या फिर कहें किसानों को बहकाने वाले संगठनों ने सिरे से खारिज कर दिया। और इसमें जिस तरीके से अरवन नक्सल गैंग, मेधा पाटकर, योगेंद्र यादव या फिर हरनन मौला टाइप के जो लोग घुसे हुए हैं, जो वामपंथी हैं, वो इस पूरे मामले को सुलझने नहीं देना चाहते हो, और इस मामले की वजह से, इस उलझाव की वजह से दिल्ली के लोगों को या दिल्ली में बाहर से आने वाले लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, उसके लिए जवाबदेही किसकी है? ये याचिकाकर्ता के वकीलों ने बात रखी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसमें बाद में कई और लोगों की याचिकाओं को भी शामिल कर लिया गया, और उसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पेंडिंग है। सुनवाई आज जो हुई है, उसके तहत सीधा संदेश किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है कि उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो दूसरे नागरिकों के हितों को, उनके अधिकारों को या उनकी जरूरतों को अपने हिसाब से कंट्रोल करें। यहाँ एक मुद्दा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया गया है कि अभी तक जो बातचीत हुई है, उसमें ऐसी क्या वजह है कि दोनों तरफ से इसमें कोई समाधान नहीं निकल सका है? वो कौन लोग हैं जो समाधान नहीं होने देना चाहते हैं? सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली उन लोगों पर सवाल उठा दिए हैं जो इस पूरे आंदोलन को किसानों के नाम पर बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने के बहाने देश के नागरिकों को, खासकर दिल्ली के आसपास रहने वाले NCR के नागरिकों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं।
यहाँ याचिकाकर्ता ने तमाम वो सारी जो परेशानियाँ हैं उनको सामने रखा है कि किस तरीके से दिल्ली के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया, उसकी वजह से जो शादियाँ थीं उन शादियों में भी दूल्हा दुल्हन तक को पैदल चल के जाना पड़ा, तमाम लोगों को परेशान होना पड़ा, छोटे छोटे बच्चों को परेशान होना पड़ा और माता पिता को उन्हें गोदी में लेकर जाना पड़ रहा है और ये भी पता नहीं है कि कितना दूर चलना पड़ेगा, तमाम जाम लगा हुआ है, उस जाम की वजह से डीजल पेट्रोल की बर्बादी हो रही है, लोगों को घर आने जाने में कई कई घंटे लगाने पड़ रहे हैं और इस सब की वजह से जो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, बहुत सी कंपनियां बंद हैं क्योंकि उनके जो एम्प्लॉई जो एनसीआर के अलग अलग इलाकों से आया करते थे वो अपनी कंपनी में नहीं जा पा रहे हैं और उसकी वजह से रोहिणी हो, वजीरपुर हो या नोएडा जैसे जो क्षेत्र हैं इनमें जो काम करने वाले लोग थे उनकी आजीविका के ऊपर भी संकट पैदा हो गया है, जो सीधे तौर पर नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी आदेश देना चाहिए, निर्देश देकर इन मामले को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। इस पूरे मामले में जिस तरीके से चीफ जस्टिस की टिप्पणियां आई हैं और जिस तरीके से नोटिस किया गया है किसान संगठनों को, अब किसान संगठनों में खलबली मच गई है क्योंकि वहां पर ज्यादातर छुटवइये नेताओं के माध्यम से ये सब हो रहा था। कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और सपा या आम आदमी पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियां अपनी गोटियां खेलती हुई नजर आ रही थी। किसान के बेस में वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग पहुँचे हुए थे जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होकर देश विरोधी नारे लगाते हुए भी देखा गया था। अब उन लोगों को भी इस मामले में एक्सपोज किया जा सकेगा क्योंकि यहाँ पर जैसे ही किसान संगठन के तौर पर लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो वो लोग जो उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, बहकाने की कोशिश कर रहे थे, वो भागते हुए नजर आएंगे। देखने वाली बात यह भी होगी कि इस पूरे मामले में किसान संगठनों की तरफ से वकील के तौर पर कौन लोग सामने आते हैं। उम्मीद यह है कि कांग्रेस अपने दो नामी वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को इस मामले में भेज सकती है, लेकिन वो दोनों भी ये जानते हैं कि जिस तरीके से शाहीन बाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक दिशा निर्देश दे चुका है कि किसी भी हालत में रोड ब्लॉक करने की आज़ादी किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती और यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार से यह पूछा है कि अगर उन लोगों ने रोड ब्लॉक किया है तो उनकी संख्या कितनी है, कितने लोग हैं जो रोड नहीं खुलने देना चाहते, उनको मार्क करने की ज़रूरत है, उनको पहचानने की ज़रूरत है जो इस पूरे मामले को दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार को फिर से एक दिशा दे दी है कि सरकार चाहे तो इन आंदोलनों के नाम पर जो घेराबंदी की गई है और इस घेराबंदी के पीछे जो लोग हैं जिनके दिमाग चल रहे हैं, जिनका षड्यंत्र चल रहा है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि प्रशासन और पुलिस ने पूरी कोशिश की है कि ये लोग उपद्रव ना मचा सके और इसीलिए बैरिकेटिंग की गई है, लेकिन बैरिकेटिंग करना मजबूरी है क्योंकि अगर बैरिकेटिंग नहीं करेंगे तो ये लोग दिल्ली में आकर और ज़्यादा उपद्रव मचा सकते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर चिंता व्यक्त की है। और अब ये मामला जो पिछले कई दिनों से लोग सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों इस पर स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में किसान संगठनों के नाम पर राजनीति करने अपने अपने चेहरे चमकाने वाले उन सभी लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा कि क्या अगर वो किसी बात से, सरकार की किसी नीति से, सरकार के किसी कानून से सहमत नहीं है तो दिल्ली की घेराबंदी करके, दिल्ली को ब्लैकमेल करके या दिल्ली के लोगों को परेशान करके या फिर दिल्ली में आने वाले लोगों को परेशान करके अपनी बातें मनवा सकते हैं। क्या इस देश में भीड़ तंत्र चलेगा, क्या इस देश में भीड़ की दादागिरी चलेगी? जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी लोकतंत्र तभी चल सकता है जब उसमें संवाद हो, लेकिन यहाँ बार बार संवाद करने के बावजूद संवाद को एक तरीके से खारिज कर दिया जाता है। जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, रोज़ नई बातें जोड़ दी जाती हैं और एक तरफ ऐसा लगता है कि इस बार किसान मान गए हैं, दूसरे दिन खबर आ जाती है या थोड़ी देर बाद खबर आ जाती है कि किसानों ने मना कर दिया है। इसको लेकर हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से वामपंथी पार्टियों की तरफ से हन्नन मौला के तौर पर एक बहुत ही कट्टर वामपंथी इस पूरे के पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का पूरा हस्तक्षेप है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही इन लोगों को दिल्ली पहुँचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बाद में शिरोमणि अकाली दल है, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियाँ हैं जो किसी न किसी बहाने केंद्र सरकार के खिलाफ जहर उगलना चाहते हैं, उसकी आलोचना के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं।
जैसा शाहीन बाग में किया गया था कि पहले रोड ब्लॉक किए गए, फिर उसमें महिलाओं को घुसाया गया, बुजुर्ग महिलाओं को घुसाया गया, फिर बच्चों को घुसाया गया। और जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं कि महिलाओं के माध्यम से मोदी के खिलाफ तमाम गाली गलौज के वीडियो बनवाए जा रहे हैं, फिर छोटे छोटे बच्चों को घुसाया जा रहा है, बुजुर्ग महिलाओं को वहां पर लाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कोरोना की महामारी पूरे देश में चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, बसों में कम लोग चल रहे हैं, हर जगह पर नकाब मास्क लगाकर लोग चल रहे हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन के नाम पर जो भीड़ जुटी हुई है, इसमें कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस बात का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। और जैसा कि पिछले दिनों अखबारों में और टीवी न्यूज चैनल पर भी खबर थी कि तमाम ऐसे लोग हैं इस आंदोलन के दौरान जिनको बीमारियां हैं, जो खांसी से पीड़ित हैं, बुखार से पीड़ित हैं, कोरोना जैसे लक्षण हैं, उसके बावजूद ऐसे सैकड़ों लोग अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए राजी नहीं है, बल्कि वो कोरोना की महामारी, अगर उनको कोरोना से संक्रमण हो चुका है तो उसको फैलाने में लगे हुए हैं, अपना भी इलाज नहीं करा रहे हैं और दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा संकट है जिसके लिए अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो उन राजनीतिक पार्टियों को जो समाज और राष्ट्र के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है, या फिर उन लोगों को जो उनके इशारे पर इस तरीके के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद इन लोगों को जवाब देने के लिए सामने आना पड़ेगा, और चूंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना इतना आसान नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आने वाले एक दो दिन में ये लोग अपने अपने घरों को लौट भी जाएं, क्योंकि जब कोर्ट में जाकर जवाब देना पड़ेगा कि आप किस बात पर चर्चा कर रहे थे, किस बात पर आप पड़े हुए थे, तब इन लोगों को जवाब देना भारी पड़ेगा, क्योंकि अब तक ये टीवी चैनलों के सामने, उनके कैमरों के सामने, रवीश टाइप के तथाकथित प्रपंचकारी पत्रकारों के सामने जो कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे वो चल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तथ्यात्मक बात करनी पड़ेगी। और तथ्यात्मक रूप से सरकार जैसा कह चुकी है, वो पहले ही किसानों की बहुत सी बातों को मान चुकी है और हर तार्किक बात को मानने के लिए तैयार है, लेकिन अब किसान किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में कह पाएंगे कि वो पराली जलाने के लिए स्वतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था वो गलत था। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में किसान संगठनों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी लोगों को जवाबदेही के कटघरे में खड़ा कर दिया है जो पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे खेल को खेलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अब उनकी कोशिशें बेकार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।